नमस्कार, जय जगन्नाथ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। दिस इज योर जगत अविनाश प्रधान एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविनाश पाठशाला। सो डेली गोटे गोटे सेसन तुम मानक निहाती रहइबो। आउ एई जो सेसनटा अच्छे एथिरे आमे एरिथमेटिक रो किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिबा। 10 क्वेश्चन आर देयर, ओनली 10 क्वेश्चन, छोटो सेसन रहइबो, बट यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मु तुम मानक सहित जो स्क्रीन शेयर करुच्ची, आज क्वेश्चन शेयर करुच्ची, तुम मैंने भी साइमल्टेनियसली क्वेश्चन करने को चेष्टा कर, राइट। एंड हियर ऑन द बैकग्राउंड यू कैन सी, यस, समस्त देखी पार थो, ठीक अच्छे। मुझे वीडियोटा को छोटो कर दूची। यस, तो कमिंग टू द क्वेश्चन गाइस, 10 क्वेश्चन विद अ स्ट्रांग नोट एज यूजुअल, कि नोइंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट अप्लाई, एंड विलिंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट डू। खाली जानले हमें ताको अप्लाई करिवो पड़िवो, और खाली इच्छा करले हमें करिवो को पड़िवो। सो विद अ स्ट्रांग नोट फर्स्ट क्वेश्चन तुम मन को स्क्रीन रे, और क्वेश्चन डा हमर अछि एज प्रॉब्लम ऊपर, राइट। तो एज प्रॉब्लम रे क्वेश्चन टा दे इज 10 इयर्स एगो द age of mother was 3 times the age of her son. After 10 years, mother's age will be twice that of his friend. Find the ratio of their present ages, right? तो उड़े ratio equalization method अच्छी कौन ये बुझिवा समझते बिना x नहीं के question रो करिवा, okay? 10 वर्ष अगर present रो 10 वर्ष अगर ला present रो 10 वर्ष अगर mother और son रो जो दिमु ratio बाहर करी भी मदर इज 3 टाइम्स, सो कैन आई से 3:1। से बले 10 वर्ष परे, आफ्टर 10 इयर्स माने प्रेजेंट रे 10 वर्ष परे मदर्स एज विल बी ट्वाइस, सो 2:1, हो कि नहीं। इक्वलाइजेशन मेथड कौन कौन जी ए डिफरेंस टा इक्वल करो दिस साइड रे, माने एटी 2 एक रो डिफरेंस केते 1, एटी 3 एक रो डिफरेंस केते 2, इदरा अलगा अलगा अछंती या को इक्वल करियो रे। तो इक्वल करियो पई कौन करियो एई दुईटा को, एई दुईटा को आनिकरी एटी मल्टीप्लाई कर दबो, आउ एई एकटा को नेकरी एटी मल्टीप्लाई कर दबो, बुझी पाल। सो गोटे न्यू रेसियो आसो, दैट इज 3:1 एंड एट आस जो 4:2, 4:2 इज नथिंग बट 2:1। इक्वालाइजेशन मेथड रे कौन होगा, एटी डिफरेंस भी 2 आसीगला, एटी भी डिफरेंस 2 आसीगला। सो दिस इज द फाइनल वन विच यू हैव टू चेक, ओके। सो नाउ 3:4 होगा पिले रेसियो रे, रेसियो रे बढ़ला केते 1, जितेबाला रेसियो रे 1 बढ़ुची एज रे केते वर्षर डिफरेंस 10 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षर, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, कह से रेसियो 1 इज इक्वल टू 20 इयर्स, हाँ कि नहीं, यस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सी आमको पचार प्रेजेंट एज रेसियो दुईटा वे बाहर करेंगे, तो रेसियो रेसियो कर दियो, ना डायरेक्ट भी क्वेश्चन बाहर करेंगे। आम देखिपर कि या ये 10 वर्ष आगर एज के ना 30, 20, 30, 20, 30, 60 आउ 20, 10 वर्ष पर मैंने +10 +10, हाँ कि नहीं। तो 70:30 है, तो 70:30 इज नथिंग बट 7:3 डायरेक्ट, हाँ कि नहीं। आउ गोटे मेथड कौन ना मु जान ली 20 वर्ष जहाँ रेसियो रे 1 से ताले प्रेजेंट एजेस माने एउटू 10 वर्ष रो डिफ एउटू 10 वर्ष पर ताले 10 बराबर केते जो 0.5 हो जीवनी, तेल रेसीयो 0.5 0.5 एड कर दियो 3.5 आ 1.5, तो 35/15 7/3, बुझिपाल। जो पटे कले भी तुम क्वेश्चन रो आंसर पाइज, आई होप समस्त गोटे क्लीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन, क्वेश्चन नंबर 2 देची, आशुतोष इज 50 इयर्स ओल्ड एंड नाजिया इज 40 इयर्स ओल्ड, हाउ लॉन्ग एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 3:2, केते वर्ष आगर तांकर एज रो रेशियो 3:2 थिला। सिंपल कथा, एबेर एज रो रेशियो केते 50:40, रेशियो केते 5:4, एबे 5:4 अछि, केते वर्ष आगर 3:2 थिला देखिबा। अच्छा मते गोटे सिंपल कथा कहो, तांकर एज रो डिफरेंस केते अछि 10 वर्ष, रेशियो रो डिफरेंस केते अछि, ताले 1 बराबर 10 वर्ष बोली मु कहि परिबि कि कहि परि आराम से, हो कि नहीं। ताले 5 + 2 = 3 हेला, केते कमिला, ताले 2 = केते ही जो पिले, अरे बुझी पाला कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 3, 1 ईयर एगो
এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন তোমার এজ প্রবলেম, তারপরে পার্টনারশিপের কোয়েশ্চেন আছে। 1 ইয়ার এগো দ্য রেশিও বিটুইন রাহুল অ্যান্ড দীপ্তিস এজ ওয়াজ 4:3, তাহলে প্রেজেন্টর গোটে বর্ষ আগর রাহুল আর দীপ্তির এজের রেশিও কেতে স্যার 4:3। 1 ইয়ার হেন্স দ্য রেশিও অফ দেয়ার এজেস, তাহলে এইটু গোটে বর্ষ পরে তাঙ্কর এজের রেশিও কেতে 5:4। ইকুয়ালাইজেসন মেথড স্যার 5:4 ডিফরেন্স ওয়ান, 4:3 ডিফরেন্স ওয়ান, ইকুয়াল ইকুয়ালাইজ হয়েকি অছি। তাহলে গোটে সিম্পল কথা কু, এজ ডিফরেন্স কেতে 2 বর্ষ, তাহলে 4-5 হেলা, রেশিওরে চেঞ্জ কেতে হেলা 1। তাহলে 1 বরাবর কেতে লেখিপারিবি, 2 বর্ষ লেখিপারিবি, আরে 4-5 3-4 রেশিওরে 1 বড়িলা বেড়ে বয়সরে কেতে বর্ষ বড়ুচি, 2 বর্ষর ডিফরেন্স। হোয়াট ইজ দ সাম অফ দেয়ার প্রেজেন্ট এজ কইছি, আচ্ছা গোটে বর্ষ আগর তাঙ্কর সাম কেতে 7, 7 বরাবর কেতে হয়ে যাবে 14, হ্যাঁ নি। তাহলে গোটে বর্ষ পরে মানে দুই জনকর 1-1 2 বড়ি যাবে, ইয়ার 1 বড়ি তার 1 বড়ি, তাহলে 14-2 16 হয়ে যাবে, বুঝিপারে তো সমস্তে। কোশ্চেন নম্বর 4 কু আসিবা, রাজেশ এন্ড দীপক স্টার্টেড আ বিজনেস ইনভেস্টিং ₹22,500 অ্যান্ড ₹36,000, আউট অফ দ্য টোটাল প্রফিট ₹13,000 দীপক শেয়ার ইজ হোয়াট। ওকে সো সিম্পল জিনিস, এই কোশ্চেনটা বুঝিবা টিকে আরামসে। দেখ আমি সবুলে গোটে জিনিস জানছু, প্রফিটটা ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল টু ইনভেস্টমেন্ট, যে যেত অমাউন্টর ইনভেস্টমেন্ট করিব সেই রেসিওরে তাকে কোন মিলিব প্রফিট মিলিব। তাহলে মু প্রফিট রাজেশর ও প্রফিট দীপকর কেমতি বাহার করিব, না রাজেশর ইনভেস্টমেন্ট 22,500 36,000, কাইনে টাইম দেইন তো টাইম কো কিছু নবা দরকার নাই, ওকে নি। তো ইয়ে ডবল জিরো ক্যানসেল হয়ে গেল, ওকে ডবল জিরো ক্যানসেল, আচ্ছা 5 ক্যানসেল করিও, চলো ইয়ে কেতে যাব 5 6 20 5 5 25, সেটি 5 কাটলে এটা কেতে যাব 5 7 35 5 2 10 9 কাট 9 5 45 9 8 72, তো মু পাই গেলি 5:8 তাঙ্কর প্রফিট রেশিও, আউট অফ দ টোটাল প্রফিট দীপক কেতে মিলিব, দীপক কেতে মিলিব 8টা পার্ট 8 মিলিব, আউট অফ টোটাল 13,000 টঙ্কার, সো কেতে যাব আনসর বুঝিপারিল কি না। আরে ভাই যাহা বি পয়সা আছে ইয়াকু 5টা পার্ট মিলিব, ইয়াকু 8টা পার্ট মিলিব, টোটাল 13টা পার্ট হয়ে গেল না, 13টা পার্ট রু ইয়াকু কেতে 8টা পার্ট মিলিব, এত এমতি লিখেছেন তো 13 বরাবর 13,000 8 বরাবর কেতে, বুঝিপারিল এমতি বি করিপারিব। কোশ্চেন নম্বর 5, এ অ্যান্ড বি এন্টার্ড ইন টু আ পার্টনারশিপ ইনভেস্টিং ₹25,000 অ্যান্ড ₹30,000 রেসপেক্টিভলি, আফটার 4 মন্থস সি অলসো জয়েন দ্য বিজনেস উইথ দ্য with an investment of ₹35,000. What is the share of C in an annual profit of ₹47,000? Very simple thing. Pada thik se question. Amma koi ji A, B, tapar C join kala. Acha, mu profit, direct profit ratio bar kuru chela. A, B, C. Investment, ye kete kuru chhi? 25,000 tonga. Kete maas pahi? Sir, total annual profit di chhi, mani 12 maas pahi se thi ba. B kete kuru chhi? 30,000. Kete maas pahi? 12 maas pahi. C, 4 মাস পরে জয়েন করছি, মানে আউ কেতে মাস পাই ইনভেস্ট করতিও 8 মাস পাই, তাহলে তার কেতে 35,000 8 মাস পাই, বুঝিপারলে তো সমস্তে। এটি টাইম কাইঁ লিখলি স্যার, পূর্ব কোশ্চেনে কাইঁ টাইম লিখলি, কেন পূর্ব কোশ্চেনে দুই জনের টাইম সেম ছিল, তো 12 12 লেখি কাটি বি দেই পারতান্তি মু, হ্যাঁ কি নি। তো এটি আমি কোন করিব আগ, 1000 1000 1000 কাটিও, কটিগলা ঠিক আছে, তারপরে 5 কাটিদেব কি, 5 5 25, 5 গেলে 5 6 30, 5 গেলে 5 7 35, তারপরে চলো 4 কাটিবা, 4 কাটিবা, ইয়ে হয়ে যাবে 4 3 12, 4 3 12 4 2 8 আউ ক্যানসেল হব কি, না 5 3 15, 6 3 18, 7 2 14, এইটা হচ্ছে রেসিও, কোণ প্রফিট রেসিও। সি কু কেতে মিলিব, 14 মিলিব, আউট অফ কেতে টোটাল করিদিও 8 4 12 5 17 7, ইয়ে 47, হ্যাঁ কি নি, 47 47,000 কেতে মিলিব, কেতে মিলিব 14,000 টাকা, ইজন ইট ইজি, বুঝিপারলে তো সমস্তে। নাও ওয়ান থিং আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টেল অল অফ ইউ, কিছু দিন হলো লাইভ সেশন মু করে পাওনি, দেখ এটি পড়াই আর কোটি পড়াই, যেটি পড়াই তোমাকে পড়া সহ মতলব অ্যান্ড তোমাদের সেইপাই মু তোম সমস্ত কবি কি এই ইউট্যুব চ্যানেল সহ আউ গোটে ইউট্যুব চ্যানেলে বি মু পড়াইবা যাচ্ছি, মানে অলরেডি পড়া স্টার্ট করে সারে, লিডস ক্র্যাক ওড়িশা এক্সাম কইকি আই থিঙ্ক এইটি
तुमने देखी पार थो यूट्यूब चैनल ले आज गोटे टॉप 100 क्वेश्चन रो मैराथन सेशन करी जीएस तुमने देखो मो चैनल ले जदि मु मैथ रीजनिंग पढ़ेबी सेठी जीएस या मु जदि एठी मैथ जीएस पढ़ेली सेठी मैथ रीजनिंग तो मु गोटे कंप्लीट तुमको दबा को चाहूँगी ओके अगेन खाली जीएस ए चैनल ना ये तुमने सब्सक्राइब करनी पे सब्सक्राइब करने कार्य हाथ रू पड़ोन बट तुमने सब सेसन गुड़ाक पाइज एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जिते अधिकारू अधिक जिनस प्रोवाइड करी अगेन आउ गोटे जगार भी मानने अनअकाडेमी यूट्यूब प्लाटफर्म गला अनअकाडेमी एप रे भी तुम जब जीव अविनाश प्रधान सर्च कर पीसी अंडर रे ऑलरेडी से एजुकेटर रही पुणी थे मोर क्लास स्टार्ट तुमने मतलब डेली जॉइन कर गोटे घंटा फ्री क्लास रखी मुझे डेली से फायदा कौन कि लाइव पोल रुहे इंटरफेसटा बहुत मजादार अच्छी जो मैंने जान तुमको लाइव पोल लाइव टाइमर रोटे रियल टाइम एग्जाम फिलिंग आसो तुमको क्वेश्चन देवी तुमको टाइमर देवी तुम्हें सल्व कर तो यू कैन फाइंड हियर ऑल माय सेशंस ओके सो प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी से फॉलो करनियो एंड जो यूट्यूब लिंक अच्छी से सब्सक्राइब करनियो तुमने मोर सब सेशन देखिपर ओके तो डेली एपे यही वाले यूट्यूब मो चैनल ले गोटे घंटार सेसन ये लेट्स क्रैक इट रे दुई घंटार सेसन ऐप रे गोटे घंटार सेसन तो टोटल चार घंटार सेसन तुमने डेली मोटू पाइपर ओके सो मु आशा करी समस्ते जॉइन करियो मते चलो परसेंटेज रो क्वेश्चन को आसी 50% ऑफ पी इज 25% ऑफ क्यू देन फाइंड पी इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू ना जहाँ देखिए लिख 50% ऑफ पी इज इक्वल टू 25% ऑफ क्यू ओके परसेंट परसेंट कटिगला 25 रे काटली 25 दुने 50 गला तो पी इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू लिखी तले पी इक्वल टू के 1/2 ऑफ क्यू हाँ कि नहीं ये सुन हाफ ऑफ क्यू हाफ माने कौन 50% इजी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट मस्ट गेट 36% टू पास अ स्टूडेंट हु गेट्स 190 मार्क्स इज फेल्ड बाय 35 मार्क्स व्हाट इज द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम गोटे पास मार्क थी ना पास परसेंटेज थी ये पास मार्क देखो पास परसेंटेज हूँ 36% पास मार्क के जान है पास मार्कटा आमको अनोन बट आम एति जिन जानचु अ स्टूडेंट हु गेट्स 190 मार्क्स जदि से 190 रखला ना फेल हो गला किंतु ताको जदि 35 मार्क मिली जाइ थांदा से पास हो जाइ थांदा व्हाट इट मीन्स फेल्ड बाय 35 मार्क्स माने कौन 225 रखिले पास 225 पास 225टा कौन 36% तो 36% बराबर 225 टोटल मार्क्स पचाउछि एग्जाम रो टोटल माने 100% बराबर केते बुझि पारा तो 225 × 100/36 नौरे नौ चौ 36 नौरे काटले 9 × 2 = 18 9 × 5 = 45 यस 4 काटले 25 25 25 625 आंसर आसो 625 क्लीयर समस्त चलो 8 नंबर क्वेश्चन को आस क्वेश्चन टा कौन देखिए देख एथर आम क्वेश्चन देर टी चेज करदे क्वेश्चन देम मन को ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट रुपीज 720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल कॉस्ट प्राइस मागुच तो सेलिंग 17 बॉल्स यू हैव अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस लॉस के ना लॉस होची सर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स अच्छा लॉस माने कौन लॉस माने सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस केते डर 17 टा बॉल बिकिचो ना तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ओके सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन हमें जदी रे सॉल्व करिया कॉस्ट प्राइस साइड को कॉस्ट प्राइस नहीं आसो एटा जेबो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 हाँ कि नहीं माइनस इज इक्वल टू यहाँ आर पट पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 17 अच्छा सेलिंग प्राइस ऑफ 17 जगह कौन लिखिपर 720 बोले लिखिपर कि नहीं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इक्वल टू 720 तो गोटार प्राइस के 60 टाँह अरे 12 प्राइस 720 गोटार प्राइस के 60 टाँह क्लीयर ओके 9 नंबर क्वेश्चन अ डीलर सोल्ड अ रेडियो एट अ लॉस ऑफ 2.5% हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 100 मोर he would have gained 7.5% to gain 12.5% he should sell it for
कौन कहूँ देख कि 2.5% लॉस रे बिकला जदि से लॉस जो बिकला जति पैसा रे सेटू जदि 100 टका अधिक रे बिकता ना 7.5% प्रॉफिट हे वेरी सिंपल थिंग नाउ लिसन माय कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100 2.5% लॉस माने मु 97.5 रे बिकिबी हो कि नहीं 7.5% गेन होची माने मोर 107.5 रे बिकी थीबी हो कि नहीं ताले एउटु टिके डिफरेंस ते देखिलो केते 10 टंकार डिफरेंस ताले मो हिसाब रे कॉस्ट प्राइस जदि 100 हैला मु जदि बस 10 टंका अधिकारे बिकिबी मते 7.5% प्रॉफिट हो जे तो केन आई से मो हिसाब रे जोटा 10 क्वेश्चन हिसाब रे केते 100 हो कि नहीं हमें तो एटा अज्यूम्ड वैल्यू ना तो मु बस कॉस्ट प्राइस बाहर कर देबी जाउची तो कॉस्ट प्राइस केते जो 100 बराबर केते जो 1000 हे जीव 1000 टका हे जीव कि नहीं कॉस्ट प्राइस पाइलो टू गेन 12.5% तो 12.5% रो गेन दरकार केतर बिकि या पर 12.5% गेन कर दे 12.5 माने 1/8 1/8 माने 125 तो 1125 टका हे बुझा पाला समस्त को आज रे लास्ट क्वेश्चन राहुल गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹2200 टका टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 40% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस अच्छा गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ताले गोटे सिंपल कथा को मोर कॉस्ट प्राइस सबले कौन रुए 100 सेलिंग प्राइस 1 रे कौन है जी 10% प्रॉफिट मिले ताले मो 110 रे बिक्री करथिबी सेलिंग प्राइस 2 मते दरकार 40% प्रॉफिट माने मते 140 रे बिक्री करिवार अछि ताले केन आई से सर 110 जोटा आपनकर क्वेश्चन हिसाब रे 2200 टंका 140 बराबर केते आउ 100 रो किछि भी आवश्यकता नहीं त मो कहि परबी 110 बराबर केते 2200 140 बराबर केते बाहर करिबा तो इनटू 140 बाई 110 जीरो कटिला 11 दुने 22 20 हे गेला 14 दुने 28 280 2800 100 टंका हिज 2800 चलो तुम मेथड रे भी ठीक करियो सर कॉस्ट प्राइस बाहर करिबा अच्छा 10% प्रॉफिट हिज ताले तुम्हें सही हिसाब रे कहो सर 110 बराबर केते 2200 टंका कॉस्ट प्राइस माने 100 बराबर केते बाहर करिबी 100 बराबर केते हिज इनटू 100 बाई 110 2000 टंका पाइजो तो कॉस्ट प्राइस जदि 2000 हेगला 40% अधिक प्रॉफिट दर 40 माने यार 40% केते 800 टंका 2800 टंका रे बिक्री करी बुझी पाला समस्त त अरे समस्त क्लियर हेगला समस्त क्लियर आई होप समस्त क्लियर हेला ना ओके फाइन डन तो देखो डेली मु ट्राई करी भी तुम मन को लाइव सेशन दबा पाई बट जेतु आज पूरा स्केड्यूल टाइट थिला सो से पाई आ लाइव सेशन नहीं पालानी रेकॉर्डेड सेशन जमीती अभी हो सेशन सेशन आसवा दरकार लाइव सेटी मते देखो लाइव अनअकाडमी ऐप रे देखो जोटि भी देखो पाठ पढ़ा चली दरकार पाठ पढ़ा चली था तुम मन को सब सपोर्ट करने को चाहिए बट इन रिटर्न यू मस्ट सपोर्ट मी टू सपोर्ट यू गाइज सो सेशन भल लगुच सेयार कर निज सांग सहित नुआ अच्छ चैनल डू सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।